अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रमज़ान स्पेशल थ्रेड समोसा पॉकेट की रेसिपी। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। आप चाहो तो इसमें चिकन या मटन किमी का इस्तेमाल कर सकते हो। हम यहाँ मटन किमी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमने यहाँ 400 ग्राम किमी को ले लिया है। इसे हमने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले और इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। इन सभी मसालों को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। तो चलिए इसे हम किमी में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मायनीज और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए इसे हम साइड में रख देंगे। तो चलिए इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसका हम लिड लगा देंगे और आधे घंटे के लिए इसे हम साइड में रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई ले लेंगे या पैन ले लेंगे, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेटेड कीमा। इसे हम 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से सॉटे कर लेंगे। जैसे ही इसके अंदर से सारा मॉइस्चर रिलीज होना स्टार्ट कर देगा, हल्का सा इस तरह से मिक्स कर देंगे। 2 मिनट के लिए सॉटी कर लेंगे और इसका लीड लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए इसे हम पका लेंगे, जब तक ये कम्प्लीटली ड्राई ना हो जाए। आप देख सकते हो बीच बीच में इसके अंदर चम्मच चलाते रहें ताकि ये नीचे से जले ना। फिर हम इसका लीड लगा देंगे और 2 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक ये कम्प्लीटली ड्राई ना हो जाए। ये अच्छे से ड्राई हो चुका है तो इसका हम लीड हटा देंगे। आप देख सकते हो ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो चलिए इसे हम साइड में रख देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। समोसा शीट्स ले लेंगे। आप चाहो तो होममेड या बाज़ार से शीट्स ले लें। उसे हम इस तरह से क्रॉस रख लेंगे। फिर हम इसके अंदर स्टफिंग को फिल कर देंगे। हम इस शीट्स के एक एक कॉर्नर को उठा लेंगे और उसे हल्का सा इस तरह से फोल्ड कर देंगे, टैप करते हुए इस तरह से बॉक्स शेप में इसे हम बना लेंगे। इस तरह से हल्का सा अच्छे से टैप करते हुए इसे फोल्ड कर दें। फिर जो 2 शीट्स बचे हैं उस पर हल्का सा इस तरह से कट लगा लेंगे, 4 से 5 पर, और इस तरह से दोनों साइड पर कट लगा लेंगे। फिर हम इस शीट्स पर पानी से हल्का सा इस तरह से ब्रश कर लेंगे। फिर हम इसके एक एक थ्रेड को इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से सारे थ्रेड्स को हम फोल्ड करते जाएंगे। और इसी तरह से हम सारे पॉकेट्स को तैयार करते जाएंगे और साइड में रखते जाएंगे। और हमने यहाँ सारे पॉकेट्स को तैयार कर लिया है। तो चलिए इसे अब हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। एक एक कर सारे पॉकेट्स को हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इसे हमें क्रिस्पी गोल्डन येलो होने तक का फ्राई कर लेना है। जब ये नीचे से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, इसके साइड्स को हम पलट देंगे। इसी तरह से हम इसके साइड्स को चेंज करते हुए फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हो ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं सर्विंग प्लेटर में। तो चलिए इसकी हम प्लेटिंग कर लेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस रमज़ान इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।